हाँ बोलो नर्मदा मैया की जय। हम लोग यहाँ श्री गजानन श्री रिद्धि सिद्धि सहित गजानन मंदिर सिनोर में पास में अनुसुईया माता का मंदिर है। परम पूजनीय हमारे परम तपस्वी स्वामी श्री धर्मदास जी महाराज के दिव्य आश्रम में हम लोग यहाँ दिव्य रात्रि विश्राम किए और यह दिव्य घाट है जो सामने माँ नर्मदा जी का दर्शन और इधर अष्ट जो सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी का दिव्य मंदिर सामने यज्ञ मंडप जहाँ अष्ट बिल्व पत्रों के बीच में यज्ञ मंडप बना है। ये प्रमाणित है तस्य फलानी तपसानु दंतो मायान तरायस्य भाया लक्ष्मी और भगवान बिल्व पत्र में बिल्व वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। ये दिव्य स्थान है हमारी। यह मंगलमय चतुर्थ दिवस की परिक्रमा माँ नर्मदा जी की चतुर्थ दिवस की परिक्रमा अब यहाँ से प्रारंभ हो रही है। रात्रि विश्राम यहाँ था, दिव्य माँ नर्मदा जी का दर्शन हो रहा है। संतों के साथ भक्तों के साथ यह अक्षय नवमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे चला जाइए नर्मदे अच्छा पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में नर्मदा परिक्रमा के चतुर्थ दिवस नर्मदा जिला में स्थित सरदार सरोवर डैम के मध्य स्टैचू ऑफ यूनिटी जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है जिसको आज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और बड़ा ही सुंदर दृश्य नज़ारा ये माँ नर्मदा कल कल कल्लोल करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। माँ नर्मदा का ये पावन तट ये सामने सूलपाड़ी पहाड़ की ऊंची शिखाएं जो जहाँ भगवान सूलपाड़ी निवास करते हैं भगवान भोलेनाथ सूलपाड़ी के रूप में ऐसी ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और ये सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ का नर्मदा परिक्रमा के चतुर्थ दिवस आज हम सभी भक्त पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में सभी संत महापुरुषों के साथ नर्मदा जी के सरदार सरोवर डैम पर स्थित विश्व की वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है नर्मदा परिक्रमा के मध्य में ही उसका दर्शन हुआ। सभी भक्तों के साथ पूज्य महाराज श्री अंदर बुला बुलावे अंदर बुला ले बच्चों को देखने की चीज है ये बात बच्चों की।
हाँ फोटो भी तो खींचना है। यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का प्रतिमा। उनका पता नहीं, वो रुकवान दे देते। बिल्कुल